क्या क्या डाला है इसमें? बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, उनके लम्स को हम इस तरह से धनिया डाला लेंगे और थोड़ा सा लगभग 1.5 चम्मच धनिया हम इसमें और हींग डाल देना ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मसाला एकदम ऐड कर लेंगे और इनको अच्छे से तेज आंच में चटका लेंगे। इसमें पनीर लेंगे, उसको एक बार पहले मिक्स करके और फिर बचे हुए पनीर को भी इसी में ही ऐड करके। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है पनीर की सब्जी जो कि बनाई है डॉक्टर साहब ने, यानी कि हस्बैंड ने बनाई है, और यहाँ पर मैं इसे गार्निश कर रही हूँ पुदीने के पत्तों से, और सही में काफ़ी अच्छी सब्जी बनी थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ बैठ करके, और मैं बैठ कर रूम में बैठ कर रोटियाँ क्यों बना रही हूँ इसका जो रीज़न है मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी। तो मैं रूम में रोटियाँ बेल रही थी और ये जो है किचन में रोटियाँ सेक रहे थे। तो बस इस तरीके से हमने मिल बांट करके डिनर की प्रिपरेशन कर ली थी, डिनर बना लिया था, और उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी रात को। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, इवन चाय भी इन्होंने बना ली थी। तो नाश्ता फिर मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर पोहे मैंने बना लिए थे, तो गर्मा गर्म पोहे भी हमारे रेडी हो चुके थे। और नाश्ता वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी भी आ जाता है 10:15 के आसपास ना पानी आ जाता है हमारे यहाँ पर। और वाटर प्यूरीफायर में मैं पानी डाल रही हूँ, और जब ये फिल हो जाएगा तो मुझे बॉटल्स भी फिल करनी होंगी, और एक दो कैंपर वगैरह भी मैं भर के रख लेती हूँ ताकि प्यूरीफायर में जो है पानी डालती रहूँ टाइम टू टाइम, तो प्योर वाटर हमें मिलता रहे। तो यहाँ पर उसमें वाटर प्यूरीफायर में पानी भी आ गया था, तो मैं बॉटल्स फिल कर रही हूँ। और बॉटल्स तो ना इतनी खट्टी हो जाती है ना कि राम जाने कैसे इतनी खट्टी हो जाती हैं, क्योंकि पीने वाले तो 4 होते हैं और भरने वाली अकेली मैं, तो मुझे ना बहुत आलस भी आता है बॉटल भरने में, और गुस्सा भी मुझे बहुत आता है बॉटल्स भरने में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ना बॉटल्स खाली होती जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी ना मैंने पानी वगैरह भी भर लिया है, क्योंकि पानी इस टाइम आता है, खाने का भी टाइम हो जाता है और पानी का भी टाइम हो जाता है। और आरओ, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, ऊपर लग नहीं सकता क्योंकि ऊपर पानी का प्रेशर नहीं आता है, तो आरओ लग नहीं सकता, तो मुझे वाटर प्यूरीफायर रखना पड़ता है, पानी भरो फिर उसमें डालो, इस चक्कर में और ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि आज किसी का भी हैवी कुछ खाने का मन नहीं, और मुझसे खड़े होके मतलब इतनी देर रोटियां बनेंगी नहीं, और इनकी है क्लास। और जैसा कि कल आपने देखा कि रोटी वगैरह बनाने में मेरी हेल्प कर रहे थे, और 9 तारीख को मैंने जो है राउंड ज़्यादा लगा लिए, तो पैरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई ना, तो मैं खड़े हो पा रही थी। एक मिनट, मैं अभी भी बैठ के बात करती हूँ। हाँ, तो मैं बैठ गई हूँ, लाइट की भी प्रॉब्लम आ रही है, सही, एक सेकेंड, हाँ अब सही है। तो बैठ गई हूँ क्योंकि ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ, और जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर हो रखा था, और इस वजह से मुझे पैर में भी प्रॉब्लम रहती है, और वेट भी मेरा काफ़ी गेन हुआ फ्रैक्चर के बाद। और फिर अभी 2-3 महीने पहले फिर से मैं स्लिप हो गई थी, जिसमें मेरा लेफ्ट जो लेग है वो पूरी तरीके से मुड़ गई थी और मोच आ गई थी, तो इस दोनों ही पैरों में प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादा देर मैं चल नहीं सकती हूँ कि कंटिन्यू हम राउंड लगा लिया कुछ। तो उस दिन मैंने गड़बड़ क्या करी कि मैं पहले मैंने सोचा 15 मिनट्स राउंड लगाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं 30 मिनट्स के राउंड लगाती हूँ, फिर ऐसे करते करते मैंने 45 मिनट्स के स्पीड में राउंड लगा लिए, इस वजह से पैर में प्रॉब्लम हो गई। और फिर रात को तो मैंने खाना वगैरह सब बना लिया था, लेकिन 10:30 बजे के आसपास मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और पैर में दर्द होने लगा, और फिर तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो फिर ये वॉशरूम तक इवन इन्हें मुझे ले जाना पड़ रहा था, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से ये मेरी कल हेल्प कर रहे थे, मॉर्निंग में खिचड़ी बना ली थी और इवनिंग टाइम में फिर सुबह भी क्योंकि खिचड़ी खाई थी, तो फिर इवनिंग टाइम में फिर ये पनीर लेके आ गए थे, इजीली बन जाती है पनीर की सब्जी, तो इन्होंने पनीर की सब्जी बनाई और मैंने बैठ के रोटियाँ बनाई, मतलब बेली, क्योंकि इनसे शेप सेट नहीं बैठता है रोटी का,
तो मैं और इन्होंने सेक लिया ऐसे करके, कल का डिनर का इंतजाम हम लोगों ने किया, क्योंकि अभी बाहर से भी तो नहीं आ सकता ना, प्रॉब्लम ये है कि बाहर का भी हम कुछ नहीं खा सकते, तो ये प्रॉब्लम और चल रही है साथ के साथ। तो अभी जो है काम मैंने स्टार्ट कर दिया, आज थोड़ा मुझे रिलीफ है, तो मैं थोड़ा बहुत चल भी पा रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि इनकी तो 2 बजे तक क्लास होती है, तो चाहे कुछ भी कर लो काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी दाल चावल बनाए मैंने, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े होके मैं रोटी नहीं बना सकती हूँ पैर में, क्योंकि वेट नहीं दे सकती मैं ज़्यादा, तो अभी दाल चावल चढ़ा दिए हैं और साफ़ सफाई भी हल्की फुल्की की है और नहाना धोना भी हो चुका है। तो चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी, थोड़े बहुत काम जो बाकी हैं वो कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और बस यहाँ पर आपसे बातें कर रही थी, इस बीच दाल चावल भी मेरे लगभग बन गए थे, क्योंकि दाल चावल तो ऐसे है ना कि हम चढ़ा दो और बाकी के काम भी कर लो, तो दाल चावल मेरे यहाँ पर बन चुके हैं। कुकर की मैं हवा निकाल रही थी क्योंकि दाल भी मेरी लगभग बन चुकी थी और चावल भी मेरे लगभग रेडी हैं, तो दाल चावल भी मेरे रेडी हैं। और आज का हमारा सिंपल सा लंच यही था, दाल चावल। और दाल चावल वगैरह खाने के बाद ना मैं यहाँ पर, दोपहर का टाइम हो चुका था, थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी किया था और यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी बाकी थी ना वो फिल कर रही थी, और पैकेट्स के साथ ही अभी फिल कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पैर में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा लोड वाला काम नहीं कर रही हूँ। तो बस ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, ये सब चीज़ें ना सेट कर रही थी, क्योंकि ये मैंने स्टडी रूम में रख दिया था सामान, इसे टच भी नहीं किया था, तो इसे अलग से ही रख रखा था, और फिर स्टडी रूम में रख रखा था ना, तो ये फैला फैला अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो आज मैंने कहा चलो अब थोड़ा रिलीफ है मुझे पाँव में, तो बैठ करके ना ये काम भी कर लिया जाए, और ये बहुत हेडेक वाला काम लगता है मुझे, एक तो ये बॉटल्स भरना और दूसरा ग्रॉसरी को फिल करना। ग्रॉसरी आती है ना तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसे भरने की बारी आती है ना तब वो बहुत भारी काम लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर दाल वगैरह और ये सब चीज़ें मैंने सेट कर दी थी, क्योंकि ये सब काम ना दोपहर को ही हो पाते हैं, मॉर्निंग में तो वही हम हमारे डेली रूटीन के काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम हम कोई कर भी नहीं सकते हैं मॉर्निंग में, तो दोपहर का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम ग्रॉसरी वगैरह फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रॉसरी भी मैंने फिल कर ली है, फिर मैं आप लोगों से ग्रॉसरी फिल करने के बाद मिलूँगी। और यहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह फिल होने के बाद चाय वगैरह भी हमारी हो चुकी थी, और यहाँ पर जो है मैं कपड़े तय करके आई थी, बाहर से ही कपड़े तय कर लिए थे, और हाथ की हाथी मैं इन्हें जगह पे रख रही थी, क्योंकि मैं बहुत आलस खा जाती हूँ अगर मैं बाहर कपड़े समेटूँ नहीं ना, तो मैं फिर बहुत आलस खाती हूँ कपड़े समेटने में, तो मैंने हाथी समेट लिए थे और मैं अलमारी में यहाँ पर इन्हें सेट भी कर दिए थे। तो मोबाइल सेट कर लेते हैं और अब आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अभी 4:30 का टाइम हुआ है और चाय वगैरह भी हमारी हो चुकी है और कपड़े वगैरह भी मैंने तह करके जगह पे लगा दिए हैं। नहीं तो क्या, मैं मशीन में रख देती हूँ ना, तो वो 1-2 दिन रखे ही रह जाते, मैं आलस करती रहती हूँ और वो सुखाने वाले कपड़े अलग लगते रहते हैं और मशीन में अलग मैं कपड़े लगा देती हूँ तय करके। तो मैंने आज हाथ के हाथ ही समेट के और जगह पे रख दिए हैं, क्योंकि मुझे एक तो बॉटल भरना, दूसरा कपड़े समेटना और तय करके उन्हें जगह पे रखना, और ये ग्रॉसरी फिल करना, ये 3-4 काम जो है ना ये मुझे बहुत भारी लगते हैं, मुझे बहुत हेडेक हो जाती है इन कामों की, बाकी कोई भी काम मुझे आसानी से करवा लो। कपड़े धोना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा काम मुझे कपड़े धोना लगता है, तो उसमें मुझे कोई भी जोर या कोई भी आलस नहीं आता है। बने ही नहीं ब्लॉग, मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई और रेस्ट लेना पड़ा प्रॉपर, और सारा काम इनको भी करना पड़ा। फिर कल शाम को मैंने रोटी वगैरह बनाई, जैसे तैसे रूम में बैठ के बनाई, इन्होंने सेक की और हम लोगों ने फिर डिनर जैसे तैसे किया, बट हाँ अच्छा ही था। इन्होंने पनीर की सब्जी बना दी थी, मैंने रोटियाँ सेक ली थी और मॉर्निंग में वही मैंने दाल चावल बना ली थी, अब शाम को देखेंगे क्या बनाना है क्या करना है, अब तो शाम की बात है। तो मैंने सोचा अब ऐसे बैठे ठाले वाली प्रॉब्लम बोल नहीं लेनी है कभी भी, और ठीक है वॉकिंग करूँगी लेकिन हल्की फुल्की वॉकिंग करूँगी, स्पीड में वॉकिंग कर ली ना तो पूरे पैरों में वजन आ गया और वो पैर एकदम जाम से भी हो जाते ना, वैसे हो गए पैर और उठना भी मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैंने तो हाथ जोड़े, मैंने कहा स्पीड में एक बार वॉकिंग भी करूँगी, क्योंकि मेरे पैर अभी सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले एक पैर में प्रॉब्लम हुई थी और 2 साल पहले एक पैर में फ्रैक्चर हुआ ही था, 1.5 महीने का वो जो था प्लास्टर वगैरह बंधा था, रेस्ट करना पड़ा मुझे, काफ़ी परेशानी हो जाती है। और पैर में प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चलना उठना बैठना सब हमारा बंद हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो चलो फिलहाल मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा एक व्लॉग भी बना लेती हूँ
आप लोगों को अपडेट भी दे देती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आए थे, और हल्का फुल्का एक ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो और ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ तो मेरा खुद का भी मन नहीं लगता एक्चुअली, क्योंकि ब्लॉगिंग की एक साल से लगभग आदत पड़ चुकी है, एक सवा साल हो गया होगा मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। उससे पहले तो मैं कुकिंग की या आर्ट एंड क्राफ्ट की ऐसे कुछ वीडियोस अपलोड किया करती थी, लेकिन एक साल से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली थी तो अब वो क्या रूटीन में आ गया है ब्लॉगिंग करना भी। तो और अभी के सारे काम हो ही चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को फिर यही एंड करना चाहूँगी, छोटी सी अपडेट आपको देनी थी इस वजह से छोटा सा ब्लॉग बनाया था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ न्यू मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारी वाईटी फैमिली में, उनके भी नाम लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।